जाओ। मैं बाहर मिल गया था तो मैं वहाँ से चला गया, मतलब पीए में कौन मुल्क है। ये 20-25 जने थे, ये क्या आए थे, नहीं दारू पीते, शराब का मामला, कुछ नहीं कहते, हाँ दारूबाज है सब और दारू ही पीते हैं ये लोग और इनका यही काम है। ये देखो एक तो हाथ फ्रैक्चर कर दिया, सर में 7-8 टाँके हैं और पूरी कमर अमर पूरी में लगी है, पैरों में लगी है, इनका विचार था जान से मारने का। अजमेर के राती डांग निवासी वसीम खान के साथ देर रात कुछ युवकों ने मारपीट की वारदात को अंजाम देकर 15,000 की नकदी व चांदी की चेन लूटकर फरार हो गए। पूरे मामले को लेकर पीड़ित वसीम किशनगंज थाने पहुंचे और लिखित शिकायत देते हुए बताया कि शेरू रमजान मुबारक आसिफ सहित 4-5 अन्य लोगों ने उन्हें रास्ते में रोककर शराब के लिए पैसे मांगे। मना करने पर आरोपी उनके घर पहुंच गए और साथ ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित वसीम ने मामले की शिकायत देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। शेरू रमजान और मुबारक आसिफ और सलमान ये अद्दान नशेड़ी हैं और इनका ये काम है, इससे मांग लिए उससे मांग लिए, दारू पीना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, इनका ये काम है बस। और मैं वहाँ से आ रहा था तो मेरे से पैसे कोस रहे थे, मैंने दिए नहीं, तो फिर मैं घर गया तो ये बाहर आ गए 25-30 जने और मेरे साथ मारपिटाई कर ली। मैंने बहुत बहन कोई तो पुरानी रंजिश कुछ नहीं, वही बस पैसे मांगने का काम इनका, बोले पैसे दो 25 जने जी। इसको लेकर शिकायत दी आपने? दिए ना जी थाने में, दिए, इन्होंने बोला इंसाफ होगा आपके साथ। आपके पैसे वैसे भी छीने? 15,000 और चांदी की चेन थी सर। गाड़ी वाड़ी में भी तोड़ फोड़ की? गाड़ी तो पूरी तोड़ दी ना, देखो ना जाके, पूरा नुकसान कर दिया गाड़ी। आपने शिकायत दे दी? शिकायत दे दी इन्होंने, मैंने सबको दे दी शिकायत। ठीक।